हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट। कैरियर पॉइंट मिलेगा आपको सबसे बेहतरीन कंटेंट, वो भी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में और सबसे बढ़िया। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग। रीजनिंग में क्या पढ़ रहे थे अभी बताइए, क्या पढ़ रहे थे? नहीं पता क्यों पता, पहली वीडियो आपने देखी ही नहीं। और आज पढ़ रहे हैं हम डायरेक्शन। पहली क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास है डायरेक्शन की। पिछली वीडियो देख के आइए, आपको पता ही नहीं क्या टॉपिक चल रहा है। देखिए डायरेक्शन कल बताया था, क्या बताया था? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। कल बताया था, नहीं बताया तो कल भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ। देखिए उसको क्या था वो, ये थी पूर्व, बोलिए पूर्व, ये थी पश्चिम, ये थी उत्तर और ये थी दक्षिण। ठीक है, ये चीज़ कल बताई थी। इसके अंदर आज एक और एडवांस चलेंगे। क्या एडवांस चलेंगे? जो इनके बीच में ये डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन क्या होगी? दक्षिण पूर्व। इनके बीच में जो ये डायरेक्शन होगी, ये क्या होगी? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम जो ये डायरेक्शन होगी बीच में, ये क्या होगी? ये होगी उत्तर पश्चिम। और जो इनके बीच में होगी, ये क्या होगी? पूर्व उत्तर। इतना आया समझ में? ये जी था, ये कल बता दे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के बीच वाली डायरेक्शन, जो साइड वाला नाम है वो दोनों, ये साइड वाला नाम बीच में, ये दोनों साइड वाला नाम बीच में, दोनों साइड वाला नाम बीच में। कोई प्रॉब्लम भाई साहब? नहीं होनी चाहिए, ईजी था बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन के अंदर क्या है? पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वही बताया था कल भी बताया था, आज भी वही बात है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन दिखेगा आपको, लेंथी है लेकिन हार्ड नहीं है भाई साहब, बिल्कुल ईजी है। पढ़िए पहला क्वेश्चन क्या है। रोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तब वह अपने बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, वह फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। इस बिंदु से वह फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर दूर है? देखिए क्या बोलता है, मैं लिखता हूँ, मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूँगा क्योंकि बहुत बड़ी है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या कहता है ये। देखिए पहले डायरेक्शन बनाइए, क्या डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन लिखिए, नाम लिखिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। इतना आया समझ में? ये तो कल भी बताया था, लिखना ही। इसमें क्या बोलता है? रोहन उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता, माना रोहन यहां पर है और उत्तर की ओर चलता है, उत्तर की साइड में, इस साइड में उत्तर है हमारा, इस साइड में 3 किलोमीटर चलता वो, मान लिया 3 किलोमीटर इधर आ गया, ये कितना है 3 किलोमीटर की दूरी तय कर ली उसने, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले, यहाँ से चला और यहाँ पर पहुँच गया 3 किलोमीटर। वह अपने बाईं ओर मुड़ जाता है, बाईं का मतलब यहाँ पर ऐसे इसका मुंह है, बाईं क्या होगा? लेफ्ट साइड, दाएं राइट साइड, बाईं तरफ मुड़ जाता है, इधर मुंह होगा इसका, 2 किलोमीटर चला, यानी कि ये माना 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, ऐसे ही आपकी तरफ मुंह करके चल रहा है वो, फिर से बाईं ओर, यानी कि फिर से लेफ्ट साइड मोड़ी उसको लेफ्ट साइड, और कितना चला? 3 किलोमीटर चला, कहने का मतलब वो इस पॉइंट पर पहुंच गया, 3 किलोमीटर चला। इस बिंदु पर पहुंचकर वह फिर से बाईं ओर मुड़ता, 3 किलोमीटर चलता बाईं ओर, यानी कि ऊपर की तरफ, पूर्व की तरफ मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, ये कितना है? ये है 2 किलोमीटर, ये यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और ऊपर, ये यहाँ तक, यहाँ पर पहुँच गया वो, ये टोटल कितना है? 3 किलोमीटर। अब पूछता है कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर दूर है? प्रारंभिक बिंदु ये रहा, समाप्त बिंदु ये रहा, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ए और बी का बीच का डिस्टेंस पूछता। ऑप्शंस क्या देता? ऑप्शंस, पहला ऑप्शन 5 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन 3 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन 2 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन क्या दिया है? 1 किलोमीटर। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल दूरी, ये वाली कितनी दूरी है? ये है 3 किलोमीटर की दूरी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी है? 2 किलोमीटर की दूरी। तो 3 माइनस 2 कितना बना? 3 माइनस 2 कितना बना? 1। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। उड़ा दिया, अच्छी बात है, उड़ाना था, पहला क्वेश्चन था जी, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भाई साहब। SSC ले लीजिए, HSSC ले लीजिए, आप कोई भी एग्ज़ाम उठाइए, जैसे कि SSC ले लीजिए, CTET ले लीजिए, ये रीजनिंग है,
और डायरेक्शन में इससे ऊपर किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं कहूँगा यूपीएससी के अंदर भी जो रीजनिंग आती है, एक से दो क्वेश्चन इसके आपको मिल जाएंगे। रीजनिंग थोड़ी इसके अंदर हार्ड होती है, लेकिन फिर भी ऐसा क्वेश्चन एक तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी ईयर में, दो साल में एक क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर भी मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन बोलता है, अरुण ने एक बिंदु ए से चला, अरुण एक बिंदु ए से चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर पूर्व में बिंदु बी तक गया, फिर वह उत्तर की ओर घूमा और 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचा, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर बिंदु डी तक चला, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और बिंदु ई तक 3 किलोमीटर चला, वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है। ठीक है, इसके अंदर क्या दिया, इसने जो पॉइंट्स थे उनका नाम दे दिया ए बी सी डी। कुछ नहीं है, डरना क्यों, क्वेश्चन बड़ा है, दिखने में बड़ा है, करने में बिल्कुल इजी। करिए, चेक कीजिए क्या बोलता है क्वेश्चन। बोलता है अरुण नाम का एक व्यक्ति है, वो चलता है, उससे पहले नाम लिखिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, लिख दिया, सही है। माना अरुण यहाँ पर था, हमेशा सेंटर माना किसी को भी, जो भी है उसको सेंटर माना। ए बिंदु से चलना शुरू किया, ये ए बिंदु है, ए पॉइंट है, नाम लिख ले, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ये ए है, और ये ए से चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर पूर्व में चला। पूर्व किस तरफ है, ये पूर्व, ये उत्तर है, ये पूर्व था, 10 किलोमीटर पूर्व तक गया, माना 10 किलोमीटर यहाँ तक बना इसका, ये है 10 किलोमीटर, और अरुण एक बिंदु से चलना शुरू किया और 10 किलोमीटर पूर्व में बिंदु बी तक गए, ये बिंदु बी दे दिया, ये बिंदु बी दे दिया, बी पर जाने पर क्या हुआ, फिर वह उत्तर दिशा में घूम गया, उत्तर दिशा, ये रे बी बिंदु से उत्तर दिशा में घूम गया, और कितने किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चला, थोड़ा 3 किलोमीटर थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये आ गया 3 किलोमीटर, और पॉइंट इसको नाम दे दिया सी पॉइंट पर पहुंच गया, वह फिर पश्चिम दिशा में, पश्चिम इधर है, यहाँ से पश्चिम की तरफ चला और 12 किलोमीटर चला, 12 किलोमीटर कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक 10, ये 10 था, ये भी 10, इसके बाद 2 किलोमीटर और आगे, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 किलोमीटर, ये पॉइंट है आपका डी पॉइंट। ठीक है, डी पॉइंट तक चला और फिर दक्षिण की ओर मुड़ा, 3 किलोमीटर चला, ये क्या पश्चिम, ये दक्षिण, यहाँ से मुड़ गए पश्चिम की ओर और इस पॉइंट पर पहुँच गए, क्यों, क्योंकि 3 किलोमीटर बोला, ये भी 3 ही किलोमीटर होगा, क्वेश्चन बोलता है डी पॉइंट से दक्षिण की तरफ मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो वह पूछता है कि वह आरंभिक बिंदु से किस दिशा में, आरंभिक बिंदु ये क्या है, इसको नाम दे दिया ई पॉइंट, आरंभिक पॉइंट था ए, ए पॉइंट था आरंभिक, जो खत्म हुआ वो क्या है, वो है ई पॉइंट, ए और ई, ई ए के रिस्पेक्ट में किस दिशा में है, किस दिशा में भाई साहब, पश्चिम में, ए पश्चिम, ए से अगर एक तरफ आएंगे तो किस दिशा में आना पड़ेगा, पश्चिम में, इसका आंसर होगा कि पश्चिम दिशा में, ए आरंभिक बिंदु है, ई आपका समापन बिंदु है, तो जो समापन बिंदु है वो आपके प्रारंभिक बिंदु से किस डायरेक्शन में है, प्रारंभिक बिंदु से वो पश्चिम दिशा में है, ये इसका आंसर होगा पश्चिम। आया समझ में भाई जी, जैसा क्वेश्चन बोले वैसा करते रहो। अरुण ए पॉइंट से चला पूर्व की ओर 10 किलोमीटर, बी पॉइंट पर पहुंच गया, बी पॉइंट से वो उत्तर की तरफ मुड़ा, 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चलने के बाद पॉइंट सी पर पहुंचा, पॉइंट सी से वो फिर पश्चिम की तरफ मुड़ गया, पश्चिम की तरफ मुड़ा यानी कि नीचे आया, 12 किलोमीटर चला, ये 10 किलोमीटर इतना था, आगे 2 किलोमीटर चला, ये पश्चिम की तरफ चला, डी पॉइंट पर पहुंचा, डी पॉइंट पर पहुंचने के बाद दक्षिण में मुड़ गया, दक्षिण में मुड़ने के बाद 3 किलोमीटर चला, क्वेश्चन खत्म, मात्र 5 सेकंड में क्वेश्चन खत्म, कुछ था इसमें नहीं था, इजी, चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी कीजिए, टाइम बचाइए, जो टाइम बचेगा मैथ में यूज कीजिए, इंग्लिश में यूज कीजिए, हिंदी में यूज कीजिए। चलिए, एक आदमी अपने कार्यालय से चला और 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, ठीक है, फिर वह बाएं घुमा और 3 किलोमीटर चला, फिर वह दोबारा बाएं घुमा और 5 किलोमीटर चला, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, कोई प्रॉब्लम भाई साहब इस क्वेश्चन में, नहीं है, ईजी है। चलिए करते हैं, कैसे करेंगे इसको, वही पहले क्या बनाएंगे, पूरा पश्चिम, कैसे, ऐसे लिखेंगे, ये अपना पूरा है, ये अपना पश्चिम है, ये अपना उत्तर है, ये अपना दक्षिण है, ठीक है। क्या बोलता क्वेश्चन के अंदर,
कि कोई एक आदमी है वो ऑफिस में गया है और वहाँ से चलना शुरू करता अपने ऑफिस से। उसका ऑफिस हमने मान लिया कि यहाँ पर है सेंटर में, हमेशा जहाँ से चलेगा उसको सेंटर में लेंगे। तो क्या कहता है, अपने कार्यालय से चला और 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ गया। पूर्व कहाँ है, ये पूर्व है, कितना गया है, 5 किलोमीटर भाई साहब। माना ये 5 किलोमीटर हैं, यहाँ पर पहुँच गया। यहाँ पर पहुँचने के बाद उसे क्या पता चला कि वह तो गलत डायरेक्शन में आ गया। और क्या किया उसने, वह बाएं घूम गया, बाएं का मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड घूमा, कोई सड़क थी, चल दिया सीधा, बाएं घूमा और कितना चला, 3 किलोमीटर फिर चल दिया भाई साहब। वो उसने देखा वो तो फिर से गलत डायरेक्शन में है, उसने फिर से अपना मैप खोला, गूगल मैप खोला, उसे क्या पता चला, फिर वह दोबारा बाएं घूम गया, उसे पता चला कि वो तो गलत डायरेक्शन में आ गया, फिर से बाएं मुड़ा, बाएं का मतलब लेफ्ट साइड, यानी कि फिर से बाएं घुमा और 5 किलोमीटर चला, चल दिया 5 किलोमीटर चला, यहाँ पर पहुँच गया। उसे पता चला कि अब जाकर वो सही पोजीशन पर चला है, पहुँचा है। उसने देखा, अरे मेरा तो ऑफिस इधर था, मैं इधर पहुँच गया, किस डायरेक्शन पहुँचा। उसने चेक किया कि वो किस डायरेक्शन पहुँचा, कितनी दूर पहुँचा, टोटल डिस्टेंस इसके बीच का और इसके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, कितना ऑप्शंस देता है, कितना ऑप्शंस देता है, 3 किलोमीटर, बी देता है 4 किलोमीटर, सी देता है 6 किलोमीटर और डी देता है 7 किलोमीटर। चेक कीजिए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम नहीं है क्या, ये डिस्टेंस सेम नहीं है क्या, सेम है। ये कितना है, 3 किलोमीटर, तो ये कितना होगा, 3 किलोमीटर, ए ऑप्शन उड़ा दिया था इसे। उसे जाना टोटल 3 किलोमीटर था, वो चल के कितना आया ऊपर से, 13 किलोमीटर, बेवकूफ था, 10 किलोमीटर ज़्यादा चल गया, पेट्रोल यूज़ कर दिया उसने ज़्यादा, सीधा आ जाता वो, ऐसे घूमने क्या जरूरत थी, गूगल मैप ने धोखा दे दिया, क्वेश्चन ऐसे होगा। आया समझ में, था इजी, अच्छी बात है। इजी क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में भी आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, दिमाग का यूज़ कीजिए। चलिए साफ कर देता हूँ, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, वह कौन सी दिशा में चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ में, नहीं आया, चलिए डायरेक्शन बनाते हैं, आएगा समझ में, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप, हम है ना आपको कराएंगे, करिए डायरेक्शन लिखिए, पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, ये दक्षिण है, यहाँ से चलना शुरू करेगा, क्यों बताया आपको, पहले बताया है, जो पूछा है, जो क्वेश्चन है पूछा है, जहाँ से उसने चलना शुरू किया वो सेंटर में लेना। एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है, माना वो यहाँ से चलना शुरू करता है, सेंटर से चलना शुरू करता है, वो यहाँ से शुरू करता है चलना, और क्या करता है, किसी स्थान से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चला, उत्तर कहाँ पर है, ये उत्तर है, 2 किलोमीटर चला, चला दिया 2 किलोमीटर, चल दिया 2 किलोमीटर, आगे क्या बोलता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है, दाएं का मतलब राइट साइड, ऐसे चल रहा वो, इसका दाया कौन सा बनेगा, ऊपर, पूर्व की ओर, पूर्व की ओर चल दिया, कितना चला वह दाएं, उसके बाद दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, ये 3 किलोमीटर चला, और उसके बाद वह बाएं मुड़ा, बाएं यानी कि लेफ्ट साइड मुड़ा, लेफ्ट साइड मुड़ गया और कितना चला, उसके बाद बाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर और चला, 2 किलोमीटर और चल दिया। अब वो पूछ रहा है कि वह किस डायरेक्शन में चल रहा है, अभी उसका जिस तरफ मुंह है उसी डायरेक्शन में चल रहा है वो, अभी मुड़ा नहीं है, इसका मुंह इस तरफ, इस तरफ है, तो ये पूछ रहा डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन कौन सी है, ऑप्शंस, ऑप्शंस क्या दिया है, ऑप्शंस, ए ऑप्शन ये पूर्व है, बी ऑप्शन पश्चिम है, सी ऑप्शन दक्षिण है, डी ऑप्शन उत्तर है, यही 4 डायरेक्शन है। किस डायरेक्शन में मुख है भाई साहब इसका, किस डायरेक्शन में फेस करके चल रहा है ये, उत्तर, उत्तर है, उत्तर में चला है, डी ऑप्शन उड़ा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। किस डायरेक्शन में मुंह इसका, क्या था, 2 किलोमीटर चला फिर
दाएं मुड़ा 3 किलोमीटर है, बाएं मुड़ा 2 किलोमीटर, किस डायरेक्शन में मुँह? उत्तर दिशा में मुँह भाई साहब। कोई प्रॉब्लम, इजी था, उड़ा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल इजी, कहते हैं जिसको मक्खन, वो क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ए एक पॉइंट से चलता है, आदमी का नाम दे दिया ए, एक पॉइंट से चलता है, चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, दाएं घूम जाता है 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है और चलता है, यह बताइए कि वह कौन सी दिशा में जा रहा है। सेम क्वेश्चन है भाई साहब, बस थोड़ा सा कुछ ना कुछ इसके अंदर थोड़ा चेंजेस किया है, कुछ नहीं नाम दिया दिया सिर्फ इसके अंदर। कैसे? यही डायरेक्शन बनाएंगे, यही बना रहे हैं कल से, यही आज भी बनाएंगे। ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। क्या बोला? कोई एक ए है, आदमी का नाम दे दिया ए, ए आदमी का नाम दे दिया और बोलता है एक पॉइंट से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चल दिया, क्या प्रॉब्लम? 2 किलोमीटर चल दिया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और दाएं घूम जाता है, दाएं का मतलब क्या है? दाएं का मतलब राइट साइड घूम गया, क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं बताया, फिर 2 किलोमीटर चला और बाद में दाएं घूम जाता है, दाएं का मतलब दाया बाया दाया, नहीं समझवा, राइट साइड फिर से दाएं घूम गया, ये घूम गया भाई, ऐसे घूम गया, ऐसे जा रहा है, इसका नहीं बताया कितने किलोमीटर चला है, बस जा रहा है, ऐसे चल रहा है, यहाँ तक पहुँच जाएगा, कहीं भी पहुँच जाएगा, बहुत दूर निकल गया, ऐसे चल कर बहुत दूर निकल गया। और अब पूछ क्या रहा है कि ये पूछ रहा है कौन सी दिशा में जा रहा है, ये कौन सी दिशा में जा रहा है, बताइए कौन सी दिशा में जा रहा है? दक्षिण, दक्षिण में जा रहा है भाई साहब, ये दक्षिण में आया, समझ में था? इजी, जो पिछले वाला क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसमें क्या था, यहाँ पर यहाँ मुड़ गया था, इधर ये इधर, यहाँ लेफ्ट मुड़ा था, यहाँ राइट, ये फर्क से आया, समझ में था? इजी, बिल्कुल इजी। कहते ना LKG वाले क्वेश्चन, बच्चों वाले क्वेश्चन जो हम देखते ही उड़ा देंगे, पेन कॉपी का एग्जाम में यूज भी नहीं करेंगे, लेकिन अभी पेन कॉपी उठाइए लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर गया, तब वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर वह 15 किलोमीटर चला, तो अमित प्रारंभिक स्थान से कितने किलोमीटर दूर है? इसमें क्या प्रॉब्लम भाई साहब? करिए, ये है, ये है, ये क्या है? पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। इसके अंदर क्या बोलता है कि अमित पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर गया, ठीक है, अमित को हम पूर्व में ले जाते हैं 15 किलोमीटर, ये अमित था 15 किलोमीटर पूर्व में गया, यहाँ तक मान लीजिए 15 किलोमीटर ही है, ठीक है। आगे क्या बोलता है? उसके बाद बोलता है वह बाएं मुड़ गया, बाया बाया मतलब लेफ्ट साइड, बाएं साइड मुड़ गया, वो मुड़ने के बाद 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर था थोड़ा छोटा, 5 किलोमीटर चला, चल गया 5 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर फिर से चल दिया, 15 किलोमीटर बाएं मुड़ा और चल दिया। पूछ रहा है वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ऑप्शन देता है, क्या ऑप्शन है? ए ऑप्शन है 30 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 35 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 15 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 5 किलोमीटर। ये जितनी दूरी उतनी ये दूरी, कितनी दूरी? 5 किलोमीटर भाई साहब। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आया समझ में? था जी ऑप्शन डी आंसर, आया समझ में? चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, ख़त्म करते हैं लेक्चर को, जल्दी करेंगे, जल्दी से उड़ाएंगे इस क्वेश्चन को, मैं बताऊंगा आप करेंगे जल्दी जल्दी। क्या बोलते हैं इसके अंदर? ममता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है, फिर दाएं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है, और तब अपने बाएं ओर मुड़कर 10 मीटर चलती है, फिर बाएं ओर मुड़कर 14 मीटर चलती है, और प्रारंभिक स्थान से प्रारंभिक बिंदु और उसकी वर्तमान स्थिति में कम से कम सबसे कम दूरी क्या है? सबसे कम दूरी बतानी है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है बनाइए। हमें एक ही बात का पता है, क्या डायरेक्शन किस तरह से, यहाँ पूर्व, यहाँ पश्चिम, यहाँ उत्तर और यहाँ दक्षिण, ठीक है। क्या बोलते हैं? ममता पश्चिम की ओर 14 मीटर चलती है, ये कोई पॉइंट है, और पश्चिम कहाँ है? यहाँ कितने चले? 14 मीटर, 14 मीटर चली, और तब अपने बाई ओर ऐसे चल रही है, बाई ओर मतलब लेफ्ट साइड बाई ओर मुड़ गई, कितनी चली? फिर से 14 मीटर चली, ये 14 मीटर चली, और तब अपनी बाई ओर मुड़कर फिर से बाई मुड़ गई, 10 मीटर चली,
फिर से बाएं मोड़ दिया, 10 मीटर चली, इससे नीचे क्योंकि 14 है तो इससे नीचे तक 10 कहीं ना कहीं होगा ये, ठीक है। 10 मीटर चली बाईं ओर मुड़कर, और फिर बाईं ओर मुड़कर फिर से 14 मीटर चलती है बाईं ओर वापस, इधर कितनी चली 14 मीटर फिर चली, क्यों ये 14 तो वापस इसी लाइन पर आ गई, ठीक है। तो पूछता क्या है, उसके प्रारंभिक बिंदु और उसकी वर्तमान स्थिति में कम से कम कितनी दूरी है, उसकी ये कितना 14 मीटर था, ये 14 मीटर, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु ये और उसकी वर्तमान स्थिति ये, इसके अंदर कितनी दूरी है, क्या दूरी है, कुछ भी नहीं भाई साहब, ये टोटल 14 है, ये इतने यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहने का मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितनी है, ये 10 है, टोटल 14 है, तो निकालना क्या है, 14 माइनस 10 कितना आया, 4 किलोमीटर भाई साहब, 4 मीटर, मीटर में चला था 4 मीटर, 4 मीटर की दूरी है प्रारंभ बिंदु और अंतिम दूरी। अगर टोटल दूरी की बात करें, टोटल दूरी कितना हुआ, ये 14 चली 14, ये कितना चली 14 चली 14, ये कितनी चली 10 चली 10, ये कितनी चली 14, जोड़ दीजिए इनको सबको, जोड़ दीजिए 4 4 8 4 12, 1 2 3 4 एक हासिल कर 52, टोटल 52 मीटर चलिए। अगर टोटल पूछे 52 मीटर चली, कम से कम दूरी पूछे 4 मीटर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था ये आज का, आया समझ में, बिल्कुल ईजी। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, आप सभी का धन्यवाद, इस वीडियो को देखने पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।